हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हो रेरोसोक चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले पावरफुल क्लीनर ऐप क्या है और इस ऐप को आप अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे यूज करोगे, तो आज की इस वीडियो में यह जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, आपको बता दूँ कि एप्लीकेशन जो है, इसमें आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी जंक फाइल है इन सभी को साफ करने वाला एप्लीकेशन है। आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, वायरस वगैरह जो भी जंक फाइल है यहाँ पर पड़ा रहता है, तो इस ऐप की मदद से आप उसको क्लीन कर सकते हो। यहाँ पर सीपीयू को कूल कर सकते हो और अपने मोबाइल फ़ोन को जो है बूस्ट कर सकते हो इस ऐप की मदद से। दोस्तों, इस ऐप को यूज करने के लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ जाना होगा और इस ऐप को जो है आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, भाई के चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ ओपन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो एक बार आपको ओपन का ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यह ऐप जो है आपके सामने कुछ इस तरह से फर्स्ट बार में ओपन होगा। जैसे ही यहाँ पे ओपन हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको परमिशन मांगे थे, नीचे आई एग्री पे टिक करके रखना है। फिर यहाँ स्टार्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो स्टार्ट के ऑप्शन पे एक बार आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही यहाँ क्लिक कीजिएगा तो परमिशन वगैरह मांगेगा, तो यहाँ पे आपको परमिशन दे देना है, अलाउ कर देना है। इसके बाद यहाँ कुछ सेकेंड बाद यहाँ पे इस तरह से एड आएगा, तो एड को कट कर दीजिए। कट करने के बाद यहाँ पे यह पेज जो है आपके सामने होम पेज इस तरह से इस ऐप का खुल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लीन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो एक बार आपको क्लीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो मैं मान लेते हैं फ्रेंड, मैं यहाँ पे क्लीन वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी जंक फाइल है यहाँ से आपको डिलीट करना है। यदि एड आ जाता है, एड को यहाँ पे आपको कट कर देना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, जंक क्लीन जो मेरे मोबाइल फ़ोन में इतना है, इसको नीचे क्लीन जंक का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर एक बार आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे यहाँ क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जंक क्लीन जो है ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से आपके मोबाइल में जो भी जंक होगा ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ साइन का भी ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ बैक आएंगे, बैक आने के बाद नीचे के साइड में आपको फ़ोन बूस्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो फ़ोन बूस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और नीचे यहाँ पर आपको बूस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो बूस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका फ़ोन जो है बूस्ट हो जाएगा कुछ सेकेंड में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो साइन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे सीपीयू कूलर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सीपीयू के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे सीपीयू को जो है कूल डाउन कर सकते हो। यहाँ से जैसे देख सकते हो मेरा यहाँ से सीपीयू का जो कूल डाउन हो चुका है। फिर यहाँ से हमको बैक आना है, एड आता रहता है तो एड को कट कर देना है। फिर नीचे के साइड में जंक क्लीन का भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो एक बार फिर से जंक क्लीन का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इस तरह से लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद क्लीन जंक का ऑप्शन आपको नीचे दिखाई दे रहा है, तो जंक को जो है क्लीन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको प्राइवेसी गैलरी में आइएगा, तो यहाँ पे जो भी फोटो है, वीडियो है, इसको प्राइवेट करना चाहते हैं तो प्लस के आइकन पे आके क्लिक करके फोटो या वीडियो को आप प्राइवेट वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ से आके कर सकते हो। यदि आपको कभी करना हो तो सेव फोटो में आके कर लेना है। नीचे के साइड में आओगे तो यहाँ आपको ऐप लॉक का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर मैसेंजर, बैटरी सेवर, ऐप मैनेजर, लार्ज फाइल, नोटिफिकेशन चेंजर, वाईफाई टेस्ट, ये सभी जो ऑप्शन आपको दिखाई देता है। यदि आपको चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, यूज कर सकते हो। यहाँ नीचे मी के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी जान सकते हो, सेटिंग कर सकते हो, फीडबैक देना चाहते हो तो फीडबैक देख सकते हो। सेटिंग में आओगे तो यहाँ पर आपको ऑटो बूस्ट, लॉग एंड एप्स और भी कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो यदि आप ये सब सेटिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप वीडियो को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू दोस्त, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, भाई के चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।